आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में आप सभी को बताना चाहते हैं जिनके बारे में कुछ लोग पहले से जानते होंगे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1940 से लेकर 1956 तक जी जान से सेवा की थी। उनका नाम था नानक चंद्र रत्तू। उनके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो सब उनके द्वारा लिखित पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संस्मरण एवं स्मृतियों से लिया गया है। देखने सुनने वाले सभी धम्म भाई बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रिय धम्म बंधुओं, आप सब जानते हैं कि नानक चंद्र रत्तू जी का जन्म 6 फरवरी 1922 को पंजाब प्रांत के होशियारपुर जनपद के सकरूली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1938 में मैट्रिक करने के बाद नौकरी की तलाश में वे देश की राजधानी दिल्ली आ गए थे। नौकरी की तलाश करते समय उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान जनवरी 1940 में उनकी मुलाकात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से हुई थी। वे बाबा साहब के निकटतम सहयोगी और एक निष्ठावान निजी सचिव के रूप में अत्यधिक विख्यात हैं। नौकरी ढूंढते ढूंढते उन्हें सरकारी विभाग में 1941 में नौकरी मिल गई। दिल्ली में नौकरी करते और पढ़ते ही उन्होंने बीए पास कर लिया था। एमए में एडमिशन लेकर एमए करना चाहा, परंतु बाबा साहब द्वारा अपने देश के शोषित पीड़ित जनता को शैक्षिक सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत प्रयासों को देखकर उन्होंने एमए कोर्स को अधूरा छोड़कर नौकरी के बाद का पूरा समय बाबा साहब को देने लगे। आप सबको ज्ञात होगा कि 1935 में बाबा साहब की पत्नी माता रमाबाई की मृत्यु के बाद बाबा साहब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, क्योंकि बाबा साहब ने जसवंत राव के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस मुंबई में खोल दिया था जहां वो रहते थे। अपने लोगों को अधिकार सम्मत बनाने के लिए बाबा साहब अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद दिन रात लगे रहते थे कि अपने लोगों को अधिकार दिला सके। माता रमाबाई के जाने के लगभग 13 वर्ष के बाद अप्रैल 1948 को बाबा साहब के जीवन में शारदा कबीर जी आई। शारदा कबीर जी ने अपने बाबा साहब के पास आने के बाद उन्होंने पहला काम किया कि उनके जो निजी सचिव थे आयुष्मान सोहनलाल शास्त्री जी को हटा दिया। अब बाबा साहब की सहायता के लिए कोई नहीं था। तब नानक जी बाबा साहब के खाने का, दवा का, उनके उठने बैठने का, कागज पत्र का सारा काम देखते थे। शास्त्री जी के जाने के बाद बाबा साहब के निजी सचिव के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। अब बाबा साहब अपनी सारी बातों को नानक जी से बताते। नानक जी उनकी बातों को सुन करके पीड़ित होते रहते। 31 जुलाई 1956 को बाबा साहब ने जो अपना अंतिम संदेश जनता हमारे लोगों को दिया था, आप सब जानते हैं। जैसा कहा जाता है कि ये कारवां मैं जहां तक ले आया हूं वो बड़ी मुसीबतों, तमाम अखबारों, झंझावातों का सामना करके लाया हूं, और ये कारवां किसी भी हालत में पीछे न जाने देना इत्यादि सब है। और ये सब नानक चंद्र रत्तू को संबोधित करके उन्होंने 3 बार बोला था, नानक जाकर उनसे कह देना, नानक जाकर उनसे कह देना। बाबा साहब चाहते थे कि मेरे लिखे हुए ग्रंथ मेरे रहते हुए छप जाए, लोगों के बीच पहुंच जाए, जिससे वे कारवां ये आगे बढ़ता रहे। एक बात वो ये भी चाहते थे कि मेरे रहते ही मेरे कारवां को आगे बढ़ाने वाला कोई आगे आए। नानक जी अपने प्रयासों से शोषित पीड़ित जनता में अपना इतना सम्मानजनक स्थान और वर्चस्व बना लिया
कि लोग उनमें अपने मुक्तिदाता की छवि देखते रहते थे। उन्हें देखकर लगता है जैसे लोगों ने बाबा साहब को देख लिया हो। बाबा साहब की अंतिम सांस तक वे बाबा साहब की छाया की तरह उनके साथ रहे। अनेक प्रसिद्ध लेखकों और शोधार्थियों ने उनकी सामग्री का लाभ उठाया और डॉक्टर अंबेडकर शोषित पीड़ित के आंदोलन पर लिखी तमाम पुस्तकों और लोगों में उनका औपचारिक रूप में आभार प्रकट किया। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले जैसे भीम पदक, भीम रत्न पुरस्कार, अंबेडकर शताब्दी पुरस्कार, भंते आनंद पुरस्कार इत्यादि। बाबा साहब के प्रति अपनी विलक्षण सेवाओं और उच्चतम समर्पण भाव से की गई सेवाओं के लिए न सिर्फ भारत भर बल्कि इंग्लैंड और जर्मनी के अंबेडकरवादियों की ओर से ढेरों प्रशंसा पत्र भी उन्हें मिले थे। अनेकों स्थानों और अवसरों पर उनका अपूर्व व शानदार अभिनंदन भी हुआ था। उन्होंने नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय की स्थापना की थी और उनके ही प्रयासों से नागपुर में एक ऐतिहासिक स्मारक भी बना है। नानक जी 29 फरवरी 1980 को केंद्र सरकार में अपर सचिव के पद से रिटायर हुए। लगभग 80 वर्ष की परिपक्व आयु तक वे बाबा साहब के महती कार्यों को आगे बढ़ाने और उनकी कृतियों लेखों को प्रकाशित करने में अपना सक्रिय योगदान करते रहे। इन सब कार्यों को करते हुए वो देहरादून में हम सबके बीच से चले गए थे। हम अपनी ओर से और आप सभी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए नमो बुद्धाय। जय।